यूट्यूब चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम देखेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पुनर्परीक्षा 2016 से संबंधित भूगोल के प्रश्नों को और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखें। इससे पहले हम इतिहास के और जो भारतीय भूगोल है उसके सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है? तो प्रश्न में क्या पूछा है कि भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को दो बार पार करती है? माही नदी। राइट आंसर क्या होगा? माही नदी। तो माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। जो माही नदी है ये क्या है? पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले। माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही नदी का उद्गम एमपी के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ। यह नदी एमपी, राजस्थान, गुजरात राज्य से होती हुई अरब सागर में गिरती है। तो आपको ध्यान रखना है कि माही नदी कितने राज्यों में बहती है। तो यहाँ पर बताया गया कि एमपी के विंध्याचल पर्वत या श्रेणी से निकलती है और एमपी, राजस्थान, गुजरात राज्य से होती हुई कहाँ पर ये गिर जाती है? अरब सागर में गिरती है। माही नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 27 किस टॉपिक से संबंधित है? भूगोल के मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई, परियोजना, कृषि। मानसून, वन, मिट्टी, सिंचाई, परियोजनाएँ, कृषि। तो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, भारत में मानसून की, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो भारत में मानसून की उत्पत्ति आपने पढ़ा होगा कि दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून और सितंबर के बीच आता है। थार का रेगिस्तान और आसपास के इलाके उत्तरी और मध्य भारतीय महाद्वीप के भूभाग गर्म हो जाते हैं, जिसके चलते कम दबाव यानी लो प्रेशर वाला क्षेत्र बन जाता है। और लो प्रेशर वाला क्षेत्र, कम दबाव वाला क्षेत्र उत्तरी और मध्य भारतीय क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार से जो खाली जगह बन जाती है उसे भरने के लिए हिंद महासागर से हवा तेज़ी से उप महाद्वीप की ओर बढ़ती हैं। इस प्रकार हवाएं दक्षिण हिंद महासागर से चलती हैं और उत्तर की ओर बढ़ती हैं। इसलिए इन पवनों को दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करने के कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, जो नमी धारण किए रहते हैं जिससे अत्यधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति हमारी संबंधित है मछली पालन से। सीधा याद रखिए कि जो नीली क्रांति, जल कैसा होता है? नीला है। तो नीली क्रांति किससे होगी? मछली उत्पादन से। और नीली क्रांति वर्ष 1960 के मध्य के दशक से वर्तमान तक मत्स्य पालन उद्योग में विश्व भर से तीव्र विकास का समय संदर्भित करता है। जबकि दुग्ध उत्पादन, श्वेत क्रांति, तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति। दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति से। और खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? क्वेश्चन नंबर 29, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना कश्मीर के बारामूला ज़िले में झेलम नदी पर बनाई गई है। ये इस परियोजना की, इसका यह नहीं याद रखना है, इसको स्किप कीजिए। केवल इतना ध्यान रखिए कि तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? तो कश्मीर में। और किस नदी पर है? झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर तीस है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर चुनिए। पहला कथन है रिहंद बांध। जो रिहंद बांध है सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, सही है। दूसरा है हीराकुंड बांध महानदी पर, ये भी सही है। तीसरा है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटका का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। क्वेश्चन जो आप कथन चार है, मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, तो इसमें चारों कथन सही है। रिहंद बांध भारत की, यहाँ पर देखिए, रिहंद बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इस बांध का निर्माण सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में हुआ है। और हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। आपको ये क्वेश्चन में बताना है कि सबसे ऊँचा बांध कौन सा है भारत का। तुंगभद्रा परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह कर्नाटका व आंध्र प्रदेश राज्य का संयुक्त उपक्रम है। मैथन बांध, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि तुंगभद्रा परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह कर्नाटका व आंध्र प्रदेश राज्य का संयुक्त उपक्रम है।
और जो मैथन बांध है दामोदर की सहायक नदी बराकर पर स्थित है। जो मैथन बांध कहाँ पर है? दामोदर नदी की सहायक बराकर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, किस टॉपिक से संबंधित है? खनिज, शक्ति संसाधन एवं उद्योग व व्यापार से संबंधित है। टॉपिक क्या है? खनिज यानी मिनरल्स, शक्ति संसाधन पावर रिसोर्सेज इंडस्ट्री एवं ट्रेड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया है पेपर में, कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किस में देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पानीपत में। देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र, बड़ ध्यान रखिएगा कि देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र हरियाणा के पानीपत में लगाया गया है, और इसका उद्घाटन नवंबर 2013 में। पेपर कब का है? 2016 का है, और उद्घाटन कब हुआ है? 2013 में। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री वीरप्पा मोइली ने किया है, और ये हमें ज़्यादा डिटेल नहीं याद रखनी है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये ध्यान रखना है देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र कहाँ पर लगा है, तो हरियाणा के पानीपत में लगा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। तो भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? जामनगर की। तो जामनगर तेल रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी या एक गैर सरकारी क्षेत्र रिलायंस इंडस्ट्री की तेल रिफाइनरी है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। कुल क्षमता के अनुसार यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। आज का क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत में टोटल कितनी कुल तेल शोधनशालाएँ हैं, संख्या बतानी है। क्वेश्चन नंबर 33 कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं सारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर। सूची फर्स्ट खनन क्षेत्र और खनिज से मैच करना है, जैसे गुरु महिषानी, दूसरा तलचे, तीसरा जादूगोड़ा, चौथा है जावर। तो जब मैच करेंगे, गुरु महिषानी किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। गुरु महिषानी किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। तलचेर कहाँ पर है? कोयला से संबंधित है। तलचेर किससे संबंधित है? कोयला से। जादूगोड़ा याद ही होगा, यूरेनियम से। जावर भी पता होगा, जस्ते से। तो आपको इसमें ये क्वेश्चन बताना है कि जो हम खाने पड़ रहे हैं खनन क्षेत्र, ये कहाँ पर, जैसे गुरु महिषानी कहाँ पर स्थित है, तलचेर कहाँ पर है, जादूगोड़ा, जावर कहाँ पर स्थित है। एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, गुरु महिषानी लौह अयस्क के लिए फेमस है, तलचेर कोयला के लिए, जादूगोड़ा यूरेनियम, जावर जस्ता के लिए फेमस है। फिर आप पढ़ते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल वायुमंडल से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो यहाँ पर कह रहा है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो यह है ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में 5 परतें पाई जाती हैं, जो नीचे से ऊपर इस प्रकार हैं। जैसे क्षोभ मंडल पहले पड़ती है, इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन ध्यान रखना है। जो परतें यानी लेयर्स हैं, तो यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रक्चर पूछ रहा है यानी लंबवत संरचना। तो 5 परतें जैसे नीचे से ऊपर की ओर क्रम है, क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन मंडल को ओजोनोस्फीयर, आयन मंडल को आयनोस्फीयर बोलते हैं, वायुमंडल को एक्सोस्फीयर। वायुमंडल को किस नाम से जानते हैं? एक्सोस्फीयर। अतः स्पष्ट है कि सबसे निचली जो सतह होती है किसकी होती है? क्षोभ मंडल की होती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी आर्थिक भूगोल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आर्थिक भूगोल से संबंधित है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देश दिया गया है लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र। देश क्या है? जैसे कजाकिस्तान। तो क्या पूछा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कजाकिस्तान जो है, यहाँ पर लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? कारागांडा। तो ये क्या होगा? सही है। दूसरा है यूक्रेन। यूक्रेन का क्रिवाय राग भी सही है। जर्मनी में नॉर्मंडी। तो ये जो नॉर्मंडी है गलत है, ये कहाँ पर है? फ्रांस में। फ्रांस में पिरेनीज, ये स्थान सही है। इसको एक बार रिवीजन में कर लीजिएगा कि जो देश और लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से है। तो कजाकिस्तान में, ये जितने भी कंट्रीज आज मेंशन किए सारे आपको मैप में देखने हैं। तो देश कजाकिस्तान, लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कारागांडा है इसका, यूक्रेन का कौन सा है? क्रिवाय राग है। फ्रांस का नॉर्मंडी है, और फ्रांस का एक है पिरेनीज, और नॉर्मंडी लौह अयस्क क्षेत्र जर्मनी में ना होकर कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सही सुमेलित पूछा गया है लारेन औद्योगिक प्रदेश इटली, तो ये गलत हो गया। रूर औद्योगिक प्रदेश यानी रूल इंडस्ट्रियल रीजन जर्मनी सही है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश ये भी गलत है, और सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश ये भी गलत है।
तो जो हम इसका देखेंगे, जैसे इसमें दिया है लॉरेन औद्योगिक प्रदेश, तो ये कहाँ पर है? लॉरेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में, लॉरेन वाला जो क्षेत्र है इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में स्थित है। और यहाँ पर फिर आते हैं ब्रिस्टल, ब्रिस्टल वाला कहाँ पर है? यूके में। ब्रिस्टल एरिया कहाँ पर है? यूके में। सैक्सोनी कहाँ पर होगा? जर्मनी में। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी के, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है। रूर क्या है? औद्योगिक प्रदेश जर्मनी के उत्तरी राइन वेस्टफेलिया का एक शहरी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई विशाल औद्योगिक नगर हैं। लॉरेन, लॉरेन औद्योगिक प्रदेश फ्रांस में स्थित है। ब्रिस्टल औद्योगिक प्रदेश यूके में तथा सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित देशों में ये किससे संबंधित है? मानव भूगोल एवं मानचित्रावली से संबंधित है। किससे? मानव भूगोल एवं मानचित्रावली से पूछा गया। निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो इसमें हम पहले ऑप्शन देखेंगे क्या क्या, क्योंकि चारों ऑप्शन नहीं वाला क्वेश्चन है, तो चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है कि गैबन, बोस्वाना, लाइबेरिया, अंगोला। गैबन, बोस्वाना, लाइबेरिया, अंगोला। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गैबन, लाइबेरिया, अंगोला स्थित है, जबकि बोस्वाना अफ्रीका के दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर बता रहा है कि अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन कौन स्थित है? गैबन स्थित है, लाइबेरिया स्थित है, अंगोला स्थित है, लेकिन जो बोस्वाना है वो कहाँ पर है? अफ्रीका के दक्षिणी मध्य भाग में। एक बार मैप से क्लियर कर लीजिएगा इसको। ये अफ्रीका का मैप है, इसमें अभी जैसे ऑप्शन दिया था एक गैबन, ये आपको दिख रहा है गैबन है यहाँ पर मैप में, एक अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। दूसरा दिया था अंगोला, अंगोला भी तट पर स्थित है। और लाइबेरिया, ये आपको दिख रहा होगा कि जो लाइबेरिया है वो भी किसके तट पर स्थित है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। लाइबेरिया हो गया, गैबन, अंगोला, लेकिन जो बोत्सवाना है वो अफ्रीका के मध्य भाग में स्थित दिखा रहा है। किससे संबंधित है? जनसंख्या एवं नगरीकरण से, जनसंख्या एवं नगरीकरण। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो किसमें सबसे निम्न? ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो सबसे कम नगरीकरण कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीकरण वाले राज्य कौन से हैं? पहला आपको याद रखना है गोवा, कौन सा है? गोवा। दूसरा है मिजोरम, और विकल्पों में आंध्र प्रदेश, हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल में सबसे कम नगरीकरण है। तो पश्चिम, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो गोवा और मिजोरम में है, लेकिन सबसे कम कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ अगला क्वेश्चन नंबर 39 सिंपल है, राजधानियाँ पूछी गई हैं सीधे सीधे। यहाँ पर जैसे म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी क्या होगी? मैच करना है आपको म्यांमार, हनोई, कंबोडिया, वियतनाम, वियतनाम नाम पहने, लाओस, यंगून। अब मैच करते हैं कि म्यांमार की राजधानी हमने क्या पढ़ी है? यंगून। म्यांमार की राजधानी यंगून। कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी क्या है? नाम पहने। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। और लाओस की वियतनाम है, लाओस की राजधानी वियतनाम। तो यहाँ पर जब म्यांमार को देखेंगे, म्यांमार की राजधानी क्या है? यंगून है। कंबोडिया के नाम पेने हैं, वियतनाम की हनोई है, लाओस की वियतनाम है, लाओस की क्या है? वियतनाम है। क्वेश्चन नंबर 40, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। नदी दी गई है और शहर से मैच करना है। नदी जैसे है सत अल अरब, सत अल अरब। दूसरी है पराग्वे, तीसरी है नाइजर, चौथा है डेन्यू। तो यहाँ पर शहर कौन कौन से दिए गए हैं? बेना, बसरा, एशेंशियन, इनियामी। नहीं याद आ रहा है तो मुस्लिम कंट्री सत अल अरब है, तो ये बसरा शहर आपको अगर रिलेट हो रहा होगा कि कहाँ से संबंधित है, मुस्लिम कंट्री से। तो हम ऐसे मैच कर सकते हैं कि सत अल अरब किससे संबंधित है? बसरा से। फिर पराग्वे में बात करते हैं, पराग्वे में कौन सा? एशेंशियन, एशेंशियन। और नाइजर, नाइजर के नियामी हो गई, नाइजर की जो नाइजर नदी के किनारे कौन सा शहर है? नियामी। और डेन्यूब, डेन्यूब के किनारे बेना, डेन्यूब के किनारे बेना। तो सत अल अरब के किनारे कौन सा शहर है? बसरा है। पराग्वे के किनारे एशेंशियन है, नाइजर के किनारे नियामी, और डेन्यूब के किनारे कौन सा है? बेना। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो इसमें किस में शून्य? यहाँ पर एससी की बात हो रही है, एससी शून्य कहाँ पर है? नागालैंड में। तो
तो 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश के अनुसूचित जनजातियों की जो अनुसूचित जातियों की संख्या 20.137 करोड़ है, जो संपूर्ण भारतीय जनसंख्या के कितना परसेंट है, 16.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या यहाँ पर बात कर रहा है, सर्वाधिक एससी कहाँ पर रहते हैं, यूपी में रहते हैं। सर्वाधिक एससी कहाँ पर हैं, यूपी में, न्यूनतम कहाँ पर है, मिजोरम, याद रखिएगा इसको। और अनुसूचित जाति का सर्वाधिक एवं न्यूनतम, तो अनुसूचित जाति का सर्वाधिक परसेंटेज बात करेंगे पंजाब एवं मिजोरम हो गया, और सर्वाधिक कहाँ पर है, पंजाब, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत में बात करेंगे तो मिजोरम में हो गया। ज्ञातव्य है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या क्या है, शून्य। इसको रिवाइज कर लीजिए, आगे एग्जाम में भी काम आ सकता है क्योंकि अभी नई जनगणना रिपोर्ट नहीं आई है। तो 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितनी है, 20.137 करोड़ है, जो संपूर्ण भारतीय जनसंख्या के 16.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मिजोरम है। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, तो अभी हमने जब जनसंख्या में बात की थी तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला था मिजोरम। वहीं परसेंटेज में बात करेंगे तो सर्वाधिक हो जाएगा पंजाब, और परसेंटेज में भी मिजोरम रहेगा। और कहाँ पर नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 है, हैंग हो रहा है टैब। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांक के इतिहास में मान विभाजक के रूप में जाना जाता है, क्या पूछ रहा है कि जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांक के इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, 1921 को। 1901 के बाद इतिहास में सिर्फ 1911 से 1921 के बीच का दशक ही ऐसा समय था जब भारत की आबादी घटी, क्या बता रहा है कि 1901 के बाद इतिहास में सिर्फ 1911 से 1921 के बीच का दशक ही ऐसा समय था जब भारत की आबादी घटी। 1921 के बाद भारत की आबादी बढ़ती चली गई, 1921 से पहले कभी भारत की जनसंख्या बढ़ जाती थी तो कभी घट जाती थी, इसी वजह से 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो याद रहेगा कि 1901 के बाद इतिहास में सिर्फ 1911 से 1921 के बीच का दशक ही एक ऐसा समय था जब भारत की आबादी घटी, और 1921 के बाद भारत की आबादी बढ़ती चली गई, 1921 से पहले कभी भारत की जनसंख्या बढ़ जाती थी कभी घट जाती थी, इसी वजह से 1921 को क्या बोला जाता था, महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पॉलिटी से संबंधित है, यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है, और इसमें टॉपिक क्या है, भारत का संवैधानिक विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, इसके क्वेश्चन जल्दी याद भी नहीं हो पाते हैं ना टॉपिक याद होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि निम्नलिखित अधिनियम से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया, क्या पूछा गया है, किस निम्नलिखित में से, निम्नलिखित अधिनियम में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया है, तो ये किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में धाराएं पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में, कितनी थी, 321 धाराएं, और अनुसूचियां कितनी थी, 10 अनुसूचियां, और इस अधिनियम की निम्न विशेषताएं थी क्या थे, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। इसको अगर आप ज़्यादा मतलब बिल्कुल क्लियर करके दिमाग में रखें तब आपके क्वेश्चन ज़्यादा, एक तो मेंस में इसका बहुत यूज है, दूसरा ये है कि अगर हमें अच्छे से याद होगा तो कन्फ्यूज़न हमारा कम होगा। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 पूछा गया, इसमें टोटल धाराएं कितनी है, 321 धाराएं हैं, और अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 10 अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम की निम्न विशेषताएं थी, तो इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। दूसरा है, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया, प्रणामता संघीय विषय को स्थानांतरित और आरक्षित विषय में विभक्त करना पड़ा, हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। अगला इसका रूल क्या था, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित परिषद को समाप्त कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिवों को सलाहकार की एक टीम मिल गई, इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया, और इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसको एक बार और रिवाइज कीजिए,
की भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। इसने क्या किया था, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। दूसरा प्रोविजन क्या था कि केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ किया, प्रणामता संघीय विषयों को जो स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा, हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। तीसरा प्रोविजन इसका था, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। नेक्स्ट क्या है, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिवों को सलाहकारों की टीम मिल गई। और अगला, इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। और अंतिम जो है, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फिर प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व। यहाँ पर हम किस टॉपिक से संबंधित प्रश्न को देख रहे हैं, प्रस्तावना यानी प्रेम्बल, संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी, नागरिकता सिटीजनशिप, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी DPSP। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं, नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 और नगर पालिकाएँ 9 है, निर्वाचन भाग 15। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं कि एक मिनट का सही है, तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि मैच करना है हमें, जैसे नागरिकता है भाग 2 सही है, दूसरा हम पढ़ रहे हैं संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 2 को क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था। इसकी जगह पर जो संघ राज्य क्षेत्र का भाग कौन सा होगा, भाग होगा 8, भाग 8। और तीसरा नगर पालिका भाग 9A, नगर पालिका किससे संबंधित है, भाग 9A से, और निर्वाचन भाग 15 से संबंधित है, निर्वाचन किससे संबंधित है, भाग 15 से। रिवीजन कर लीजिए एक बार, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है, नगर पालिकाएँ भाग 9A में अनुच्छेद 243 से 243-6 तक, और निर्वाचन भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक वर्णित है। संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 42 तक है, जबकि भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद। जनरल क्वेश्चन है, अस्पष्टता का अंत आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 17 में दिया गया है। दूसरा है हमारा गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, तो ये गलत दिया गया है, ये किससे संबंधित है, क्वेश्चन जो गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण ये है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 22 से संबंधित, जबकि दिया गया है अनुच्छेद 23, इसीलिए गलत है। फिर तीसरा है धर्म की स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 25 में सही है। और फिर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, इसको रिवाइज कीजिए कि अस्पृश्यता का अंत किस में दिया गया है, अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 23 में हमें ध्यान रखना है कि क्या, अनुच्छेद 23 में बालाश्रम व मानव दुर्व्यापार का निषेध है, अनुच्छेद 23 में क्या है, बालाश्रम व मानव दुर्व्यापार का निषेध है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, राज्य सरकार से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 46 किससे संबंधित है, राज्य सरकार से। नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से अभिकथन ए तथा दूसरा कारण ए आ रहा है, तो अभिकथन ए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। और दूसरा कारण क्या दिया गया, कि अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो दोनों ए तथा आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए तथा आर सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर जब हम केवल दो ऑप्शन देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा देखने की नीड भी नहीं है, तो यहाँ पर अभिकथन ए फिर से रिवाइज कीजिए, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करिए इस पर कि अभिकथन ए क्या कह रहा है, कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। कारण क्या बता रहा है, कि अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो इसका राइट आंसर आएगा कि दोनों ए तथा आर सही है, और आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या करता है। क्यों सही है, एक्सप्लेनेशन से हम समझ सकते हैं इसको,
की राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानून तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। वास्तव में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। भारत सरकार अपने कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में निहित होती है, अर्थात कथन व कारण दोनों सत्य हैं एवं कारण कथन की सही व्याख्या को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किससे संबंधित है? न्याय व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य। क्वेश्चन नंबर 47 न्याय व्यवस्था, केंद्र एवं राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में की गई थी, सही है ये। दूसरा इसका है, किलेमेस्टर इसके न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? एलिजा इम्पे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल यानी कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कार्यकारी यानी एक्टिंग जज, इंग्लिश भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 48 नंबर में पूछ क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है कि एक कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय में। तो ये नियुक्ति की जाती है हमारी उच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुचित हो या मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या डिटेल में बता रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एवं अनुच्छेद 224 में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है। और राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यानी जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो गया या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित या मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो। फिर अपर और कार्यकारी न्यायाधीश को देखते हैं, राष्ट्रपति निम्न परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अस्थायी रूप से नियुक्त करता है जिसकी अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। जब अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो या उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक हो या जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो, कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग, अन्य आयोग एवं राजभाषा। संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक आयोग, अन्य आयोग एवं राजभाषा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, निम्नलिखित में से पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संस्थाएं दी गई स्थापना, तो अंतर्राज्यीय परिषद 1990 सही है। फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद 1954, ये गलत दिया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1954 इसकी जगह क्या होगा? 1952 इसकी डेट भी एग्जाम में पूछी गई थी। और फिर है केंद्रीय स्वतंत्रता आयोग 1964, इसकी इंग्लिश भी याद रखिएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सेंट्रल CVC इसको बोलते हैं, शॉर्टकट भी तीनों चीज़ें इसकी ध्यान रखनी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय स्वतंत्रता आयोग या CVC। तो कब स्थापना हो रही है? 1964 में इसकी स्थापना हो रही है। और फिर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार कब है? 1993। तो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई है? 1990 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952 को। केंद्रीय स्वतंत्रता आयोग 1964 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना है? 1993 में। फिर है पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन अनुसूची, पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। पंचायती राज व्यवस्था व संविधान संशोधन अनुसूची से संबंधित है। यहाँ पर दिया गया 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। और सूची सेकंड में क्या दिया? भाषाएं, दल परिवर्तन के आधार पर निरंतर संघराज तथा संवर्ती सूचियाँ, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। तो जब हम लाएंगे 7वीं अनुसूची में हमारा क्या है?
संघ राज्य तथा संवर्ती सूचियाँ। सातवीं अनुसूची में हम क्या देखते हैं कि संघ राज्य तथा संवर्ती सूचियाँ। आठवीं सूची में क्या है, अनुसूची में भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची में क्या है, दल कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है, यानी वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, वैलिड यानी कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। दसवीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निहितता, रिवीजन कीजिएगा। सातवीं अनुसूची संघ राज्य तथा संवर्ती सूचियाँ, आठवीं अनुसूची भाषाएं, नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निहितता। क्वेश्चन नंबर 51, विविध। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है, तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय संविधान, तो पंचायतें भाग 9, पंचायतें भाग 9 सही है, नगर पालिकाएं भाग 9 ये सही है, सहकारी समितियाँ 9 भी सही है, और जो अधिकरण यहाँ पर दिया गया भाग 10, तो अधिकरण कहाँ पर है, 14 का में है, अधिकरण किस में है, 14 का में, तो भाग 14 का, तो भाग 9 में पंचायतें हैं, भाग 9 का में नगर पालिका है, भाग 9 खा में सहकारी समितियों का वर्णन है, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग 14 का में अधिकरण का उल्लेख है। और कल हम देखेंगे इकोनॉमी से संबंधित यानी अर्थव्यवस्था और इससे आगे से संबंधित प्रश्नों को। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, इसीलिए ना तो कोई लाइक ही आता है, ना व्यूज इस पर बढ़ रहे हैं, ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब, ये मतलब आप शेयरिंग करेंगे तो आपको ये है कि कंटिन्यूस क्लासेस में भी प्रॉफिट मिलेगा। अब जैसे आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मटेरियल कंटेंट सब ऐसे, तो दिक्कत सभी के साथ होती है। कोई भी चीज़ जैसे अगर करना होता है तो उसको कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट ऑलवेज चाहिए होता है। जैसे आप आपसे कहें कि आप मतलब केवल वीडियो देख लीजिए, या वीडियो देखने से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, या मान लीजिए लाइक ही कर दिया तब भी एक मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ स्टूडेंट थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह ये सीरीज जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक चलती रहेगी, हो सकता है तब तक नोटिफिकेशन भी आ जाए और हमारे प्रीवियस ईयर सारे कंप्लीट हो जाए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।